आज का जो चैप्टर है हमारा वो NIS क्लास 12 इंग्लिश 302 का चैप्टर नंबर 24 है, रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग। तो ऑब्जेक्टिव जैसा कि हर एक चैप्टर में पढ़ चुके हम, मतलब जितने भी रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग वाले हैं अभी लास्ट में हमने पढ़े, तो सारे में यही है कि शॉर्ट थीम बेस्ड पैसेज पढ़ेंगे और उसका जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर देंगे हम। तो सेक्शन वन देखते हैं। ऑन दिस इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग We celebrate the choice that millions of people around the world have made to live healthy, and we applaud the courage shown by those who have stopped using drugs. नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी आप समझते ही होंगे के खिलाफ इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर हम उस विकल्प का जश्न मनाते हैं जिसे दुनिया भर में लाखों लोगों ने स्वास्थ्य जीवन जीने के लिए बनाया है, और हम उन लोगों द्वारा दिखाए गए साहस की सराहना करते हैं जिन्होंने ड्रग्स का उपयोग करना बंद कर दिया है। इन डूइंग सो, ऐसा करते हुए, वी सेंड अ पॉजिटिव मैसेज टू ऑल पीपल हु यूज और माइट बी टेम्पटेड टू यूज ड्रग्स। वैल्यू योरसेल्फ, मेक हेल्दी चॉइसेस। ऐसा करते हुए हम उन सभी लोगों को एक सकारात्मक संदेश भेजते हैं जो नशीली दवाओं का उपयोग करते हैं या करने के लिए लालसा या लालच कर सकते हैं। तो स्वयं को महत्व दें और स्वस्थ विकल्प बनाएं। ये बातें हैं, आगे देखते हैं। दिस डे इज ऑल्सो एन ओकेजन टू हाईलाइट द फैक्ट दैट नियरली 200 मिलियन पीपल आर स्टिल कंज्यूमिंग इलीगल ड्रग्स। यह दिन उस तथ्य को उजागर, उस सच्चाई को उजागर करने का भी अवसर है कि लगभग 200 मिलियन लोग अभी भी अवैध ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं। दीज ड्रग्स माइट हैव नेम्स दैट साउंड कलरफुल और इंटरेस्टिंग सच एज क्रैक पॉट, जंक क्रिस्टल, मैथ एंड डिस्को बिस्किट्स। इन दवाओं के नाम हो सकते हैं जो रंगीन या मोहक लगते हैं, जैसे क्रैक पॉट, जंक क्रिस्टल, मैथ एंड डिस्को बिस्किट, बट दीज आर लिटल मोर देन टिकट्स टू अ डेड एंड। लेकिन यह एक डेड एंड के टिकट से कुछ ज़्यादा है। फॉर दोज ट्रैप्ड बाई एडिक्शन, ट्रीटमेंट इज अ वे आउट एंड द चॉइस टू सीक ट्रीटमेंट इज ओनली नॉट ओनली करेजियस बट ऑफन लाइफ सेविंग। दोज हु हैव नॉट वेंचर्ड डाउन द पाथ ऑफ ड्रग एब्यूज शुड लर्न द लेसन फ्रॉम दोज हु हैव एंड फॉर्मली चूज नॉट टू। कह रहे हैं कि व्यसन में फंसे लोगों के लिए इलाज एक रास्ता है, मतलब ऐसे जो काम में लोग फंसे हैं उनके लिए इलाज एक रास्ता है, और इलाज की तलाश करने का विकल्प न केवल साहसी बल्कि अक्सर जीवन रक्षक है, मतलब ये जीवन को बचाने के काम आएगा अगर आप इलाज करते हो और ये सारी चीज़ें छोड़ देते हो। जिन लोगों ने मादक द्रव्यों के सेवन का रास्ता नहीं अपनाया है उन्हें उन लोगों से सबक सीखनी चाहिए, मतलब जो नशे नहीं करते नशे करने वालों को सीखना चाहिए उनसे जिन्होंने उसका सेवन नहीं किया है। मेकिंग हेल्दी चॉइसेस ऑल्सो मीन्स चूजिंग अ लाइफ स्टाइल दैट हैज़ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द बॉडी एंड माइंड इंक्लूडिंग फॉर एग्जाम्पल पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स टू इम्प्रूव हेल्दी एंड वेल बींग, टीच द वैल्यू ऑफ टीम वर्क एंड डिसिप्लिन एंड बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। मैसेज बाई द सेक्रेटरी जनरल UN ऑन द ओकेजन ऑफ द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग्स एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग 26 June 2005। उदाहरण के लिए स्वास्थ्य कल्याण में सुधार के लिए खेलों में भाग लेना, टीम वर्क, अनुशासन का मूल्य सिखाना और आत्मविश्वास का निर्माण करना, मतलब स्वस्थ विकल्प बनाने का जो मतलब है ऐसी जीवन शैली चुनना भी है, ठीक है, जिसका शरीर और दिमाग पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो उदाहरण के लिए हमने ये देखा, ठीक है। अच्छा, जैसे नशीली पदार्थों के सेवन और अवैध तस्करी के खिलाफ जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर महासचिव संयुक्त राष्ट्र हैं उन्होंने 26 जून को 2005 को इन्होंने ये सारी बातें बताई थी हमें, एक तरह से हमें पैसेज की तरह बता दिया था, वही हम पढ़ रहे हैं अभी। 24.1 में बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज गिवन अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस।
ऊपर दिए गए संदेश को अपनी समझ के आधार पर आंसर दीजिए। पहला है, व्हाट इज द ओकेजन फॉर दिस मैसेज, मतलब इस संदेश का अवसर क्या है। तो उस समय इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग हो रहा था। व्हाट मैसेज हैज बीन कन्वेड थ्रू द पैसेज, कौन सा मैसेज दिया गया इसके लिए। टू होम द मैसेज, किसने संबोधित किया। तो मैसेज है, वैल्यू योर सेल्फ, मेक हेल्दी चॉइसेस टू पीपल हु आर नॉट ए ड्रग एडिक्ट्स बट माइट बी टेम्पेड। ठीक है, तो ये अच्छा होम मैसेज किसने एड्रेस किया, तो यूनेस्को के, सॉरी यूनेस्को नहीं, यहाँ पर नाम था इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज ट्रैफिकिंग के लिए, 26 जून 2005 को जनरल थे, मतलब सेक्रेटरी जनरल थे यूएन के, उन्होंने दिया था। फिर सी क्वेश्चन, व्हाई डज द राइटर से दैट दोज हु आर नॉट ड्रग एडिक्ट्स शुड फॉर्मली चूज नॉट टू फॉल विक्टिम टू ड्रग एडिक्शन। लेखक यह क्यों कहता है कि जो लोग नशे के आदि नहीं हैं उन्हें दृढ़ता मजबूती से नशीले पदार्थों की लत का शिकार नहीं होने का सुझाव करना चाहिए। तो आंसर है, नशीली सॉरी ड्रग एडिक्शन लीड्स टू डेड एंड, नशीली दवाओं की लत जो है मृत अंत की ओर ले जाती है, जो कि अभी हमने वहाँ पर पढ़ा था। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। टू वट हेल्दी choices does the author refer, लेखक किस स्वास्थ्य विकल्प का उल्लेख करता है। तो आंसर है, choosing lifestyle leading to positive effect on the mind and body or they may participate in sports, learn values of them, work and discipline, मन और शांति पर सकारात्मक प्रभाव के लिए जीवन शैली का चयन करना, या वे खेल में भाग ले सकते हैं, टीम वर्क, अनुशासन के मूल्यों को सीख सकते हैं, अनुशासन सीख सकते हैं, मतलब डिसिप्लिन सीख सकते हैं। व्हाट शुड पीपल रिजॉल्व ऑन द ओकेजन, लोगों को इस अवसर पर क्या संकल्प करना चाहिए। तो आंसर है, जो कि हमने पढ़ा था, दैट दे वुड क्रिएट एंड लिव इन अ ड्रग फ्री सोसाइटी एंड दैट पीपल शुड लीड हेल्दी अ लाइफ, कि वे एक नशा मुक्त समाज का निर्माण करेंगे और उसमें रहेंगे, लोगों को स्वस्थ जीवन जीना चाहिए। एफ है, What does the author mean when he says, let us encourage all our fellow human beings to make personal choices to lead healthy lives? लेखक का अर्थ है, जब वह कहता है आइए हम अपने सभी साथी मनुष्यों को स्वास्थ्य जीवन जीने के लिए व्यक्तिगत चुनाव करने के लिए प्रोत्साहित करें। तो आंसर इसका, that people should create environmental that would encourage people to lead healthy life and adopt पॉजिटिव आउटलुक, लोगों को ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जो लोगों को स्वस्थ जीवन जीने और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रोत्साहित करें, मतलब सब कुछ अच्छा सोचें। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारा यहाँ से अब शुरू हो रहा है, वो फर्स्ट के सारे पार्ट से, विच वर्ड्स इन द पैसेज मीन सिमिलर टू द फॉलोइंग। अब यहाँ पर सिमिलर बताना, आपको सिनोनिम्स कह सकते हो। नॉट अलाउड बाई लॉ, नॉट अलाउड बाई मतलब लॉ के अकॉर्डिंग जो अलाउड नहीं है उसे हम कहते हैं इलिसिट। अवैध, टू एक्सप्रेस प्रेज अप्रिसिएशन, मतलब प्रशंसा करने के लिए क्या होता है, अप्लॉड होता है, तालियां बजाते हैं ना, अप्लॉड करते हैं, वही है। फॉलिंग विक्टिम टू एन एविल डिज़ाइन, मतलब एक बुरी साजिश का शिकार होना, उसको हम कहते हैं ट्रैप, फंस जाना। ट्रैकिंग स्टेप्स इनटू डेंजर नोइंगली, जानबूझकर खतरे में कदम उठाना, जिसको हम कहते हैं वेंचर्ड, या वेंचर कह सकते हो। सेक्शन टू देखते हैं यहाँ से, ड्रग एडिक्शन इज अ ट्रीटेबल डिसऑर्डर, मादक द्रव जो है, जो ड्रग्स लेते हैं, वो एक उपचार योग्य विकार है, मतलब उसे हम उपचार करके सही कर सकते हैं। थ्रू ट्रीटमेंट दैट इज टेलर्ड बाई इंडिविजुअल नीड्स, पेशेंट कैन लीव देयर कंडीशन एंड लीव नॉर्मल प्रोडक्टिव लाइव्स, लाइक पीपल विद डायबिटीज और हार्ट डिजीज। पीपल इन ट्रीटमेंट ऑफ एडिक्शन लर्न बिहेवियरल चेंजेस एंड ऑफन टेक मेडिकेशंस एंड एज पार्ट ऑफ देयर ट्रीटमेंट रेजिमेन। ये कह रहे हैं कि मादक द्रव्य व्यसन एक उपचार योग विकार है, व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप उपचार के माध्यम से रोगी और अपनी स्थिति को छोड़कर सामान्य उत्पादक जीवन जी सकते हैं। मधुमेह या हृदय रोग वाले लोगों की तरह व्यसन का इलाज करने वाले लोग व्यवहार में बदलाव सीखते हैं, अक्सर अपने उपचार के हिस्से के रूप में दवा लेते हैं। मतलब ये बात कर रहे हैं कि जब उसे जैसे आप ड्रिंक कर रहे हो तो ड्रिंक से छुटकारा पाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, है ना, वो सारी बातें यहाँ पर बता रहे हैं। उसके बाद सेकंड है, बिहेवियरल
थेरेपीज़ कैन इंक्लूड काउंसलिंग, साइको थेरेपी, सपोर्ट ग्रुप्स और फैमिली थेरेपी। कह रहे हैं कि जो बिहेवियर थेरेपी होता है, व्यवहारिक जो थेरेपी होता है, जिसमें क्या होगा, काउंसलिंग करते हैं ना, मिलकर लोगों को बताते हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है ना, साइकोथेरेपी होता है एक तरह से, है ना। जैसे सपोर्ट ग्रुप्स हो गया, वो भी ले सकते हो आप बिहेवियर थेरेपी में, या फैमिली थेरेपी हो गया, फैमिली मेम्बर से आप डिस्कस करो। चलो, ट्रीटमेंट ऑफर्स हेल्प इन सप्रेसिंग द विड्रॉल सिंड्रोम एंड ड्रग क्रेविंग एंड इन ब्लॉकिंग द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स। ये कह रहे हैं कि उपचार वापसी सिंड्रोम और नशीली दवाओं की लालसा को दबाने और दवाओं के प्रभाव को अवरुद्ध करने में मदद करेगा। स्टडीज शो दैट ट्रीटमेंट फॉर हीरोइन एडिक्शन यूजिंग मेथाडोन एट एन एडेक्वेट डोजेज लेवल कंबाइंड विद द थेरेपी रिड्यूस द डेथ रिड्यूसिस डेथ रेट्स एंड मेनी हेल्थ प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद हीरोइन अब्यूज़। अध्ययन से पता चलता है कि चिकित्सा के साथ एक संयुक्त रूप से खुराक स्तर पर मेथाडोन का उपयोग करके हीरोइन की लत के लिए उपचार मृत्यु दर और हीरोइन के दुरुपयोग से जुड़ी कई स्वास्थ्य समस्याओं को कम करता है। मतलब हीरोइन है तो आप ये का मतलब क्या है, यहाँ पर मेथाडोन का उपयोग करके आप कंट्रोल कर सकते हैं। थर्ड है, इन जनरल द मोर ट्रीटमेंट गिवन द बेटर द रिजल्ट। सामान्य तौर पर जितना अधिक उपचार दिया जाएगा, परिणाम उतने ही बेहतर होंगे। मेनी पेशेंट्स रिक्वायर अदर सर्विसेज एज वेल, सच एज मेडिकल एंड मेंटल हेल्थ सर्विसेज एंड HIV प्रिवेंशन सर्विसेज। कई रोगियों को अन्य सेवाओं की भी आवश्यकता होती है, जैसे चिकित्सा और मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं और HIV रोकथाम सेवाएं। हाँ जी, पेशेंट्स हु स्टे इन ट्रीटमेंट लॉन्गर हैव बेटर आउटकम्स देन दोज हु स्टे लेस टाइम। मतलब जो लंबे समय तक रहता है, उसका ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है, किससे कंपेयर करके, जो कम समय तक रहते हैं। पेशेंट्स हु गो थ्रू मेडिकली असिस्टेड इंटरवेंशंस विद मिनिमाइज डिस्कम्फर्ट बट डू नॉट रिसीव एनी फर्दर ट्रीटमेंट परफॉर्म अबाउट द सेम इन टर्म्स ऑफ दोज हु वर नेवर ट्रीटेड। ये कह रहे हैं कि जो मरीज इलाज में अधिक समय तक टिकते हैं, उनके परिणाम कम समय तक रहने वाले की तुलना में बेहतर होते हैं। जो मरीज कम से कम असुविधा के साथ चिकित्सकीय सहायता प्राप्त हस्तक्षेपों से गुजरते हैं, लेकिन आगे कोई उपचार प्राप्त करते हैं, सॉरी नहीं करते हैं, उन रोगियों के संदर्भ में वही प्रदर्शन करते हैं और जिनका कभी इलाज नहीं किया गया था। मतलब अगर यहाँ पर हम इन शॉर्ट समझें तो, अगर आप लगातार इलाज कर रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कराओगे तो कुछ समय के बाद वैसा ही हो जाएगा जैसे ऐसा लगेगा कि आपका इलाज हुआ ही नहीं है। ओवर द लास्ट 25 ईयर्स स्टडीज हैव शोन दैट ट्रीटमेंट वर्क्स टू रिड्यूस ड्रग्स एंड क्राइम्स कमिटेड बाई ड्रग्स डिपेंडेंट पीपल। ये कह रहे हैं कि पिछले 25 सालों में अध्ययनों से पता चलता है कि उपचार दवाओं और नशीली दवाओं पर निर्भर लोगों द्वारा किए गए अपराधों को कम करके या कम करने के लिए करता है। रिसर्चर्स ऑल्सो हैव फाउंड दैट ड्रग एब्यूजर्स हु हैव ट्रीटमेंट आर मोर लाइकली टू हैव जॉब्स। शोधकर्ताओं ने यह भी पाया कि नशीली दवाओं का सेवन करने वालों के पास इलाज होने की संभावना अधिक होती है। फोर्थ है, द अल्टीमेट गोल ऑफ ऑल ड्रग्स एब्यूज ट्रीटमेंट इज टू एनेबल द पेशेंट्स टू अचीव लास्टिंग एब्स्टिनेंस बट द इमीडिएट गोल्स आर टू रिड्यूस ड्रग यूज इम्प्रूव द पेशेंट्स एबिलिटी टू फंक्शन एंड मिनिमाइज द मेडिकल एंड सोशल कर्स ऑफ ड्रग एब्यूज। सभी नशीली दवाओं के दुरुपयोग के उपचार का अंतिम लक्ष्य रोगी को स्थायी संयम प्राप्त करने में सक्षम बनाना है, लेकिन तत्काल लक्ष्य नशीली दवाओं का उपयोग को कम करना, रोगी की कार्य करने की क्षमता में सुधार करना और नशीली दवाओं के उपयोग के चिकित्सा और सामाजिक अभिशाप को कम करना है। फिफ्थ देखते हैं, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ ड्रग एब्यूज ट्रीटमेंट प्रोग्राम्स। बहुत सारे कई प्रकार के नशीली दवाओं के दुरुपयोग उपचार कार्यक्रम हैं।
मतलब जो गलत तरीके से हम यूज़ करते हैं ड्रग्स का, वो उसके लिए एक प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। शॉर्ट टर्म मेथड्स लास्ट लेस देन 6 मंथ्स एंड रेजिडेंशियल थेरेपी, मेडिकेशन थेरेपी एंड ड्रग फ्री आउट पेशेंट थेरेपी। मतलब कह रहे हैं कि अकल्पिक विधि, मतलब 6 महीने से कम समय तक चलती है ये सारी जो दवाइयों का सिस्टम है, ड्रग्स को कम करने का जो तरीका है कि वो ऐसे ना करें। आवासीय चिकित्सा मतलब घर में भी ऐसा बना के होता है, दवा चिकित्सा भी हो देते हैं, है ना। ऐसी तरह के बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिससे उनकी ये थेरेपी काम आती है और वो सही हो जाते हैं। लॉन्गर टर्म ट्रीटमेंट में इंक्लूड फॉर एग्जांपल मेथाडोन मेंटेनेंस, आउट पेशेंट ट्रीटमेंट फॉर ओपिएट एडिक्ट्स एंड रेजिडेंशियल थेरोप्योटिक कम्युनिकेशन ट्रीटमेंट। ये कह रहे हैं कि लंबी अवधि के उपचार में शामिल हो सकते हैं, है ना। तो क्या है, उदाहरण के लिए अफीम के आदि लोगों के लिए मेथाडोन रख रखाव, आउट पेशेंट उपचार और आवासीय चिकित्सीय संचार उपचार अफीम के आदि के लिए ऐसा बताया गया है। इंटेक्स क्वेश्चन 14.2 में करें, कंप्लीट करना है आपको यहाँ पर। ड्रग एडिक्शन इज कैन बी ट्रीटेड, तो ड्रग एडिक्शन क्या है, एक डिसऑर्डर है, ठीक है, जिसे हम सही कर सकते हैं। द ट्रीटमेंट गिवन टू एडिक्ट्स इन अकॉर्डिंग टू नीड्स, जो यहाँ पर तरीका है उपचार करने का किसके लिए होता है, इंडिविजुअल के लिए होता है, तो यहाँ पर इसे आ जाएगा आपका इंडिविजुअल। इसी तरह आप वीडियो को पॉज करके इसकी या हिंदी लिख रखी है मैंने, और यहाँ पर आंसर आप मैच करके कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके कर लें, फिर आप आगे आ जाएं। सेकेंड क्वेश्चन है, विच वर्ड्स इन द पैसेज मीन सिमिलर टू द फॉलोइंग। सिमिलर वर्ड्स क्या, टू पुट एन एंड टू समथिंग, किसी बात को समाप्त करना मतलब होता है सप्रेस करना, दबा देना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट का मतलब होता है अल्टीमेट, टू हैव इफेक्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम का मतलब लास्टिंग, इनफ इस क्वांटिटी का मतलब एडिक्वेट, पर्याप्त मात्रा का मतलब वही पर्याप्त एडिक्वेट, ठीक है। तो ये चैप्टर खत्म, अब हमारा सिर्फ एक चैप्टर रह गया, चैप्टर नंबर 15 भोली। तो भोली हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, ठीक है, मिलते हैं फिर भोली चैप्टर में।